हरिद्वार से यमुनोत्रीधाम बस के माध्यम से कैसे जाएं, मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा, क्योंकि आजकल मेरे पास काफ़ी कॉल आ रहे हैं, सब यही पता कर रहे हैं कि सर हरिद्वार से यमुनोत्री कैसे जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही चार धाम की यात्रा चल रही है, और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस के माध्यम से चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं। बस के माध्यम से चार धाम की यात्रा किस तरह की जाती है, इसका पूरा वीडियो मैं अपने शेयर पे अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी वीडियो को देख के अपनी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। लेकिन अब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो हरिद्वार से बस के माध्यम से यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि उनको कोई सीधी बस मिल जाए और सीधा हरिद्वार से बैठे और वो उनको जानकी चट्टी उतार दे और उसके बाद वो अपनी यात्रा स्टार्ट कर लें। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो सोच रहे हैं कि भैया उनको हरिद्वार से सीधी बस जानकी चट्टी की मिल जाएगी। पिछले साल देखिए इन्होंने एक बस लिस्ट की थी, लेकिन जो आपका हरिद्वार से जानकी चट्टी की बस चलती थी उसका रूट था दूसरा, जो श्रीनगर कर्णप्रयाग होते हुए जाती थी, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था, कम से कम 13-14 घंटे लग रहे थे, जिसकी वजह से उस बस को हटा दिया गया। अब आपको केवल उत्तरकाशी वाली बस है जिसमें जाना पड़ेगा। पहले मैं आपको रूट दिखा देता हूँ और देन मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए जब आप गूगल पर सर्च करते हैं हरिद्वार टू बरकोट, ठीक है, तो ये आपको देहरादून वाला रूट दिखाता है, लेकिन जो बसें चलती हैं, जो हरिद्वार से बसें चलती हैं भाई उत्तरकाशी होते हुए, वो देखिए वो इस वाले रूट पर चलती है, ये वाला जो रूट है इस वाले रूट पर चलती है, और इसमें जो आपको बस मिलेगी वो हरिद्वार से उत्तरकाशी की बस मिलेगी। मैं आपको रेड बस पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखिए मैंने रेड बस खोल लिया है, यहाँ मैं हरिद्वार टू उत्तरकाशी सर्च करता हूँ, ठीक है, ये उत्तरकाशी मैंने सर्च कर लिया। मैं फिलहाल जुलाई की कोई सी भी डेट देख लेते हैं और यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए ये आपको फिलहाल 3 बस दिखा रहा है जो कि सुबह 7 बजे निकल जाती है और लगभग 1 बजे के आसपास आपको उत्तरकाशी पहुँचा देगी। ये लगभग 6 घंटे का टाइम देखिए तीनों बस में लग रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप इसी बस के माध्यम से जाइए। तो जब आप इस बस में जाएंगे तो 7 बजे वाली बस है और ये आपको देखिए यहाँ एक जगह आएगी धरासुर बैंड, ये देखिए ये जगह है धरासुर बैंड। तो आपको पहले मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है, उत्तरकाशी है आपका ये, यानी बस यहाँ तक जाएगी, लेकिन आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ धरासुर बैंड आपको यहाँ उतर जाना है। उत्तरकाशी से पहले ही आपका धरासू बैंड पड़ेगा और यहीं से देखिए एक रोड जाएगी आपकी बरकोट को, ये देखिए ये बरकोट है। तो यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। तो जो बस आपको उत्तरकाशी लगभग 1 बजे के आसपास पहुँचा रही है, ठीक है, अगर आप यहाँ धरासू बैंड उतरेंगे, सपोज करिए आप धरासू बैंड नहीं उतरे, आप उत्तरकाशी पहुँच गए, तो उत्तरकाशी से जब आप वहाँ से टैक्सी करेंगे तो वो इसी रोड से आएगा और यहाँ से फिर आपको धरासू बैंड से ही क्रॉस करेगा। तो इससे बेटर है कि आप उत्तरकाशी ना पहुंचिए, आप यहाँ धरासू बैंड पर उतरे, धरासू बैंड से आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो धरासू बैंड से फिर आप बरकोट जाइए। तो मैं मान के चढ़ रहा हूँ ये जो 1 बजे का टाइम है, तो मैं मान के चढ़ रहा हूँ आप 2 बजे तक बरकोट पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी हरिद्वार से बस चलेगी ये आपकी ऋषिकेश श्रीनगर होते हुए तभी आपको यहाँ धरासू बैंड पहुँचाएगी। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इस वाली बस के माध्यम से जा सकते हैं, और एक आपके पास दूसरा ऑप्शन है बाय देहरादून। तो देहरादून से मैं आपको बताना चाहूँगा, देहरादून से आपको सीधी बरकोट की बस मिल जाती है। तो इसके लिए मैं आपको अपनी ही वेबसाइट पे लेकर आना चाहूँगा, ये देखिए मेरी वेबसाइट है यहाँ। जब आपके सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ देखिए आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहाँ यमुनोत्री सर्च करिए। यमुनोत्री सर्च करते ही यमुनोत्री से जुड़े काफ़ी सारे आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें मैंने देखा हरिद्वार टू यमुनोत्री बस बुकिंग का भी लिंक दे रखा है, लेकिन ये फिलहाल बस अवेलेबल नहीं है। तो आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ देखिए यमुनोत्री धाम डायरेक्ट बस ऑनलाइन बुकिंग, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, तभी जाके आप मेरे इस आर्टिकल को ओपन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका और मैंने उस आर्टिकल को दोबारा ओपन कर लिया है। अगर मान लिया आपका आर्टिकल ओपन नहीं होता, आपके सामने ये होम पेज आएगा, आप यात्रा पे आइए और यहाँ देखिए आपको यमुनोत्री धाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने मेरे आर्टिकल ओपन हो जाएंगे। तो आपको इस वाले आर्टिकल पे क्लिक करना है जो कि मैंने यमुनोत्री धाम डायरेक्ट बस ऑनलाइन बुकिंग का लिखा हुआ है, आपको
यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने देहरादून टू बरकोट डायरेक्ट बस का एक लिंक लगा रखा है, तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही यही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको लिखना है देहरादून और हिल स्टेशन, तो आपको यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है ISVT जो कि बस स्टैंड है, एक है हिल स्टेशन जो कि आपको रेलवे स्टेशन के बाहर मिलने वाला है, यानी जैसे आप ट्रेन से उतरेंगे उसके जस्ट बाहर ही आपका हिल स्टेशन है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको बटकोट सर्च करना है। देखिए यहाँ मैंने बटकोट लिखा है, फिलहाल यहाँ से मैं 4 जुलाई सर्च करता हूँ। सर्च करके देखिए इसने मुझे ये बस दिखाती है जो कि सुबह 5:30 बजे चलती है और 11 बजे आपको बरकोट पहुँचा देगी और इसका किराया है मात्र 305 रुपये। तो आप चाहें तो देहरादून के द्वारा भी बरकोट जा सकते हैं। देहरादून से अगर आप बरकोट जाते तो आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सुबह सुबह आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो इससे जुड़ा वीडियो भी देखिए मैं अपने समय पर दे चुका हूँ। आप केवल यहाँ यमुनोत्री बस सर्च करिए, मैं चैनल पे आने के बाद आप यमुनोत्री बस सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। इससे देखिए मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि मैंने सीधी बस का दिखा रखा है। आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए जिसे मैंने बता रखा है कि आप देहरादून किस तरह सुबह मॉर्निंग में पहुँच सकते हैं, किस तरह आप उस बस को पकड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा जो मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर हम हरिद्वार से यमुनोत्री कैसे जाएँ, वो भी बस के माध्यम से। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो स्क्रीन पे देखिए आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा ताकि आप सही तरीके से अपनी यात्रा कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हर हर महादेव।